नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भूतपूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी के बारे में। उनका पूरा नाम रोजर माइकल हम्फ्रे बिन्नी है। उनका जन्म 19 जुलाई 1955 को बेंगलोर में हुआ। उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भारत की ओर से 6 टेस्ट मैच, 14 वनडे मैच और 3 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने अपना पहला वनडे मैच 6 दिसंबर 1980 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न ग्राउंड में खेला था। उन्होंने इस मैच में 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे। उन्होंने 1983 के विश्व कप में सबसे ज़्यादा 18 विकेट लिए थे। उनका यह प्रदर्शन भारत को 1983 का विश्व कप जिताने में काफ़ी अहमियत रखता था। उन्होंने 1983 के विश्व कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 10 ओवर में मात्र 23 रन दिए थे और उन्होंने एक विकेट वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्लाइव लॉयड का लिया था। उन्होंने 1983 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए थे और उन्होंने नाबाद 21 रन भी बनाए थे। उनके इस प्रदर्शन की मदद से ये मैच भारत 118 रन से जीत गया था और वह मैन ऑफ द मैच हुए थे। वो भारत की ओर से 2 वर्ल्ड कप 1983 और 1987 का खेले हैं। उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में 18.67 की औसत और 29.3 के स्ट्राइक रेट से 8 मैच में 18 विकेट लिए थे। उन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर में 72 मैच खेले, जिसकी 67 पारी में 29.35 की औसत और 38.4 की स्ट्राइक रेट से 77 विकेट लिए थे। उनके करियर का बेस्ट प्रदर्शन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1983 के विश्व कप में 29 रन देकर 4 विकेट लेकर बनाया था। उन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर में 16.13 की औसत से 629 रन भी बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। उन्होंने अपने करियर का आखिरी वनडे मैच 1987 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में खेला। उन्होंने इस मैच में 7 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट लिया था। उनको टेस्ट और वनडे में एक एक बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। उन्होंने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 17 विकेट लिए थे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला। उन्होंने इस मैच में पहली पारी में 49 रन और दूसरी पारी में 1 रन दिया था, लेकिन उनको एक भी सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने इस मैच में पहली पारी में 46 रन बनाए थे। वो उस समय में भारत के सबसे बढ़िया फील्डर में से एक थे। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 27 मैच खेली, जिसकी 41 पारी में 23.06 की औसत से 830 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 32.64 की औसत और 61.06 की स्ट्राइक रेट से 47 विकेट भी लिए हैं, जिसमें 2 बार 5 विकेट शामिल है। और उनका बेस्ट प्रदर्शन 56 रन देकर 6 विकेट रहा, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कलकत्ता में 1987 में बनाया था। उन्होंने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में 13 मार्च 1987 को खेला। उन्होंने पहली पारी में 25 रन दिए और उनको एक भी सफलता नहीं मिली थी और उनको दूसरी पारी में बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में
136 मैच खेली, जिसकी 215 पारी में 34.08 की औसत से 6579 रन बनाए, जिसमें 33 अर्धशतक और 14 शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 211 रन नाबाद रहा। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 36.02 की औसत और 66.8 के स्ट्राइक रेट से 205 विकेट भी लिए हैं, जिसमें 5 बार 5 विकेट शामिल है, और उनका बेस्ट प्रदर्शन 22 रन देकर 8 विकेट रहा। उन्होंने अपने लिस्ट ये क्रिकेट करियर में 113 मैच खेली, जिसमें 30.89 की औसत और 41.1 के स्ट्राइक रेट से 122 विकेट लिए, और उनके नाम लिस्ट ये क्रिकेट में 14.21 की औसत से 1038 रन भी है, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल है। वो 2000 में खेले गए अंडर 19 के विश्व कप में विजेता भारतीय टीम के कोच थे। 27 सितंबर 2012 को बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयन पैनल के 5 सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। बिन्नी वर्तमान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ में एक ऑफिस बीयरर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे क्रिकेटरों की महत्वपूर्ण बातें और रिकॉर्ड जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिए, और हमारी चैनल क्रिक टुडे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।